नमस्कार, आप हैं आईबीएन 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर एक बार फिर से पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच टकराव के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने सरकार की तरफ से दिए गए वन रैंक वन पेंशन की पेशकश को ठुकरा दिया है और आज से इसके विरोध में देश भर के पूर्व सैनिकों ने अपने पदक लौटाने का ऐलान किया। पूर्व सैनिक आज इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के बाहर अपने पुरस्कार लौटाएंगे ताकि आम आदमी भी देख सके कि पूर्व सैनिकों के साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन शनिवार को ही जारी किया गया था, लेकिन पूर्व सैनिकों ने इसे खारिज करते हुए कहा था कि किसी जूनियर को उसके सीनियर से अधिक पेंशन मंजूर नहीं। दूसरी तरफ सरकार ने दो टूक जवाब दिया कि जितना हो सकता था सरकार ने उतना दिया, इससे ज्यादा मांग नहीं मानी जा सकती। गौरतलब है कि देश में 24 लाख पूर्व सैनिक और 6 लाख सैनिकों की विधवा है जिन्हें इसका लाभ मिलना है। डेमोक्रेसी है, हर एक को डिमांड करने का अधिकार रहता है, लेकिन जितना मैक्सिमम उसका मेन जो डिमांड था वो हर एक को एक रैंक में एक पेंशन, वो हमने पूरा कर दिए। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिक्लेयर की थी वही है। उसमें से वीआरएस का जो कन्फ्यूजन था वो हमने निकाल दिया। तो मुझे लगता है अभी नहीं, हर एक चीज़ मांगते हैं वही अगर सेटिस्फाई होने लगी तो कभी खत्म नहीं होगा, और कोई तो और कुछ मांगेगा। रक्षा मंत्री जी कैसे बोल रहे हैं कि सारी मांगे पूरी नहीं होती, दूसरों को भी करनी है। कौन दूसरे हैं उनके पास? ये वन रैंक वन पेंशन का किस्सा 42 साल से चल रहा है और इनका मेन किस्सा था, और ऐसी स्टेटमेंट हम नहीं इसको पसंद करते। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी से भी और रक्षा मंत्री से कि वो जल्दी से जल्दी सभी 7वें संगठनों को दूर करके दोबारा नोटिफिकेशन इश्यू करे जो जायज है, लीगल। हमारा ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो ओआरओपी की डेफिनेशन को, परिभाषा को कंप्लीटली किल कर देता है। ओआरओपी की डेफिनेशन में ये है, किसी सीनियर को जूनियर से कम पेंशन कभी नहीं मिलनी चाहिए। ये जो डेफिनेशन निकाली गई इसमें पहले दिन ही एक सीनियर को जूनियर से कम पेंशन मिलेगी, इसलिए ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको वेरी वेरी स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं। उनको ये समझाओ कि हिंदुस्तान के अंदर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उनको जो ओआरओपी दी गई है वो इनफैक्ट ओआरओपी नहीं है, केवल वन टाइम इंक्रीज है और उनके साथ धोखा किया गया है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का इस खबर पर। प्रणय, जूनियर को सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं, अगर कहा जाए तो ओआरओपी के जो मुख्य थीसिस या फिर मुख्य प्रेमिसेस वो यही थे, अगर इस पर भी बात नहीं बन पा रही तो आगे कैसे दिशा देखेगी? दरअसल वाकई में ये बात बड़ा सवाल है कि आगे का रास्ता कैसे निकल सकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो उसे ऑफर करना था उसने नोटिफिकेशन में इशू कर दिया है, और इसके बाद जो भी एनामलीज हैं उन्हें सुधार का जो रास्ता है वो जुडिशियल कमीशन, जो कमेटी बनाई गई है इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तय होगा। यानी जैसे कि रक्षा मंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह से हर व्यक्ति की बात नहीं मानी जा सकती और हर प्रेशर ग्रुप यदि इस तरह से करेगा, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स ने इसका स्वागत भी किया, उन्होंने ये कहा है कि वो इसको अच्छा मानते हैं और कम से कम 40 साल से जो मांग चली आ रही थी वो पूरी हो पाई है। तो निश्चित रूप से ये जो सवाल है कि आखिर क्या और कैसे और कब तक हो पाएगा, तो ये कुछ जो समूह यहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये उनका मामला है। और सरकार का ये ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वन रैंक वन पेंशन का वो दे चुकी है, और अब जो आगे की बकाया चीजें हैं उसके लिए भी रास्ता खुला रखा गया है जिसे जुडिशियल कमेटी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। शुक्रिया प्रणय जानकारी के लिए आपका।